सारे तो ज्यादा सवाब थी ना पे आज जशन है ना आमना दे पुत्र का जशन है हसनैन दे नाना का जशन है जहरा दे बाबा का जशन है सुनीशिया दे पीर का जशन है नबिया दे ताजदार का जशन है दाना सुफल का जशन है गिनती के पहले आदम का जिक्र है अल्लाह के काली जुल्फों वाले महबूब का जिक्र है तो फिर खुश होके जुमला सुनना मेरे साईं बिस्मिल्लाह आपकी जिंदगियां हो जाए इस गांव की जिंदगियां हो जाए जो खड़े हुए पिंडाल हो ना आप सलामत रहे गांव सलामत रहे पेड़ सलामत रहे उसकी वजह क्या है क्योंकि ये जिक्र है ही प्यारे नबी का मैंने अभी तक जिक्र शुरू नहीं किया मैं तुम्हें सिर्फ इस मेराज पे ला रहा हूं तुम्हारी जमीन बना के कि जब भी यहां पूरी कायनात में आमना के बेटे का जिक्र हो तुम्हारा चेहरा खिल जाना चाहिए तुम्हारे कलेजे से आवाज आनी चाहिए उसकी वजह क्या है बिलाल को 3 बार मारा उसे जलाया मट्टी से फिर भी या मोहम्मद की आवाज आ रही थी सरकार मीसम को मारा फिर भी या अली की सदा रही थी कलंदर के बोतले को मारा फिर भी अली की सारे 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 मौला का इस्म ले हाथ भाई जिसके मौजूद है के जिक्र में बोले अच्छा ये जो आप लोगों के हाथ उठाना सही है साईं करें दुआ जुमला पढ़ूं क्योंकि मैं वो रटी रटाई बातें करने का कायल ही नहीं अभी बात आई है दिल में और मैं पढ़ के रहूंगा ये जो अली का नाम आए मुझसे पहले कारी साहब पढ़ रहे थे ना उन्होंने ना पढ़ा होता मैं भी ना पढ़ता ये जो अली साईं के नाम पे हाथ उठाते हो ये भी नबियों के सुल्तान की सुन्नत है इसके बाद तो सुन के भी हाथ ना चावे या वाल हाथ है नहीं या वाल गदीर भूल गए हैं बाबा जी नबियों के सुल्तान की सुन्नत है अली का नाम आए हाथ उठ जाए और नबी अपनी मर्जी से कोई काम करता भी नहीं सूरह नजम 12:27 आयत नंबर 3 और 4 अल्लाह करो अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा मेरा नबी अपनी मर्जी से बोलता नहीं जब तक मैं अमर न करूं फिर सूरह आले इमरान में आयत नंबर 23 में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मद इल्ला रसूल मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के नबी जागे तब रसूल नबी सोए तब रसूल नबी बिस्तर में हो तब रसूल नबी गली में हो तब रसूल नबी बाहर हो तब रसूल अगर नबी नमाज में हो तब रसूल अगर सजदे में हो तब रसूल अगर सजदे में पुश्त पे हुसैन आ जाए बाबा जी कुरान कहता है कुरान नूर कुरान नूर है इसी कुरान की इज्जत की कसम है कुरान शाहिद है सुनिए जहां जहां तक आवाज आ रही माजरत के साथ जुमला कलेजे में उतरे तो फिर बोलना बाबा इज्जत सैयदा की कसम है ये नाना नहीं है तब भी रसूल है ये नाना नहीं है तब भी रसूल है अगर किसी को वह लैल की जुल्फे पकड़ा दे हाय हाय अगर किसी को कलम कमली में आने दे तब भी रसूल है किसी को रोक ले तब भी रसूल है अगर कहे अल्लाह अना मदीनतुल इल्म वा अली मुबाबहा तब भी सुसर नहीं तब भी रसूल है अगर कहे अना मदीनतुल इल्म वा अली मुबाबहा अगर कहे अना दारुल हिकमा वा अली मुबाबहा मैं हिकमत का शहर अली उसका दरवाजा अगर कहे या अली अंता मिन्नी वा अना मिनका तब भी रसूल नहीं तब भी सुशर नहीं है तब भी रसूल है अगर कहे अल हुसैन मिन्नी अल हुसैन मिन्नी वा अना मिना इसका साउंड
गया है, लेकिन तवज्जो के साथ चुपचाप सुनिएगा। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तब भी नाना नहीं कह रहा, तब भी रसूल कह रहा है। अगर कहे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अल फातिमा तो भजा तो मिली। अगर कहे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तब भी रसूल है। अगर कहे हसन तू भी मुझसे है, ओहो बैठा है ना तिरानवे वाला। अगर कहे कि हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। अगर कहे कि अमोलो ना मोहम्मद, और पिछले दोस्तों से लेके हर मेरे भाई तक। अगर कहे अपन ना मोहम्मद और सपना मोहम्मद, अगर कहे के रसूल पिछले मोहल्ले भाइयों, अगर मैंने बात भूला नहीं हो, कुरान पे दोनों हाथ है सजाद लिए खड़े के, मैं गलत कहूँ नबी सरकार मेरी जुबान पे पानी गिराए, तू जैसे सुन तेरा मुकद्दर आमिना के लाल की खिला तो बचती है, लेकिन नजदी सड़ जाता है, हलाली फल जाता है। पिछले मोहल्ले की हमारी आवाज धीरे 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 होती जा रही है, जहाँ पे अब धीरे हुई मैं छोड़ गया। हाँ तुम जहाँ बाबा जिस तरह गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चलती, हम भी तो तुम्हारी सुभान अल्लाह के बगैर नहीं चलते। थोड़ा थोड़ा बोला करे ना, हदीसे पाक है, बोलो बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ पहचाने जाओ। तो जब बोलना है पहचान है ही जाना है, तो क्यों ना नबी के जिक्र में जुबान बोले, सुभान अल्लाह तो कह लेना नारे। जब बोलना ही है तो बाबा क्या बोल रहा था? मैं क्या सरकार अगड़िया की कसूर हुआ? वो भी बेकार है, मैं उनको जानबूझ के कह रहा हूँ, मत कोई सो ना जाए। आज याद रखो, सोएगा वो जिसका मुकद्दर सो रहा है। आज तो कायनात खुश है, फर्श पे अल्लाह खुश है, फर्श पे तिरानवा खुश है। आपकी जिंदगी हो, मैं बात भूला नहीं, कुरान हाथ में था। मैं कोई काम भी करूँ, कुरान अल्लाह कहता है मेरी मर्जी से करता है, जब तक मैं अमर न करूँ। जिसने अभी तक हाथ नहीं उठाया, अब अल्लाह करेगी तुम्हारी सवड़ों से, तुम्हारे जुस्सों से, तुम्हारी शानों से, तुम्हारे गर्म कपड़ों से हाथ निकल के आमिना के लाल की नलैन पे आ जाए, ताकि वो हाथ कायनात में किसी कुत्ते के आगे ना उठे। सिर्फ अपने मौला से मांगे, ताकि हमारा मौला भी एक हो और तुम्हारी तवज्जो भी एक हो। बेदार होकर जुमला सुनो, कोई काम भी करता है मेरी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता। यही आमिना का लाल अगर सवा लाख मजमे में ऐलान करे और कहे मन कुंत मौला हो, अली का नाम आए आमिना का लाल भी हाथ उठा के पूरी दुनिया को बताता है, अली सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी है। जुबान के साथ अली माला, 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 जिसका अली माला है और वो अली का खा के अली पे भागना नहीं है। अली माला, अली माला, अली माला।
जिसके भी दिल में उल्फत हैदर हुआ करे वो अपने वालदैन के हक में दुआ करे, जिसके भी दिल में उल्फत हैदर हुआ करे वो अपने वालदैन के हक में दुआ करे। और वाजिब है हर किसी पे अताअत फुतूल की, वाजिब है हर किसी पे अताअत फुतूल की, लेकिन किसी का खून लगत हो तो क्या करे। कुरान मेरे हाथ में निशर्फ है, तुम मुझे छोड़ो, कुरान पे शक करके अपने आप पे शक ना करवाना। साईं मैं देख रहा हूँ चेहरे पे थके हैं, कुरान पे शक ना करना। जो कुरान पे शक करेगा, अल्लाह कुरान में कहता है उसने मुझ पे शक किया, और जो मुझ पे शक करता है उसका बाप एक नहीं होता। हाय तिरानवे वाले, अच्छा जरूरी है, जरूरी है कि मैं हर गल चीख चीख के पढ़ांगे तुसी बोलोगे? जरूरी है? चलो जरूरी है तो मैं हुंदा पे खड़ा बस, और तुहाडी खैर नहीं। हुण 93 वाले तुसी गए, मैं अपने आप पे तशद्दुद करके खड़ा हो गया। हां रखो, पिछले दी कोई हल नहीं।